दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मध्य प्रदेश का जिला सिंगरौली, जहां कोयले की राख हवा में घुली है। शुक्रवार 10 अप्रैल को यहां रिलायंस पावर प्लांट का एच डंप यार्ड डाइक या एच डैम, जिसे राखड़ बांध भी कहते हैं, टूट गया। इसका मलबा आसपास के खेतों और गांवों में फैल गया है। कई एकड़ की फसल बर्बाद होने का अनुमान है। मलबे की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग लापता हैं। ये पावर प्लांट सिंगरौली के बैढ़न थाने से करीब 15 किलोमीटर दूर सासन में है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार से किसानों को मुआवजा देने और मामले की जांच की मांग की है। मामले में लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। सिंगरौली में पिछले 1 साल में बांध टूटने का इस तरह का ये तीसरा मामला है। रिलायंस पर लापरवाही का आरोप। सिंगरौली के DM KVS चौधरी ने बताया, जो 5 लोग लापता हैं वो राख के तालाब के पास अपने घरों में थे। रिलायंस पावर की तरफ से ये गंभीर लापरवाही है। हम गांव वालों को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फसलें भी बर्बाद हुई हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि मुआवजा दिया जाए और इसकी जिम्मेदारी तय हो। रिलायंस का क्या कहना है? रिलायंस पावर ने अपने बयान में कहा है कि राख डंप करने वाले यार्ड की दीवार टूटने की वजह से पानी आगे बढ़ा और बाउंड्री टूट गई। कहा गया है कि घटना के पीछे के कारणों की जांच कर रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि फिलहाल पावर प्लांट का कार्य जारी है और हम राहत बचाव कार्य में स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पावर प्लांट के खिलाफ धरना और लीकेज की शिकायत। पिछले साल स्थानीय लोगों ने पावर प्लांट के खिलाफ धरना भी दिया था। आरोप है कि लीकेज की शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन ने बांध को दुरुस्त बताया था। स्थानीय निवासी संदीप ने रिपोर्टर्स को बताया, हमने पावर प्लांट के सामने 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया था। इसमें हमारी पहली मांग थी कि रिलायंस पावर प्लांट के अंदर जो ऐश डैम बना है, पानी बाहर बह रहा है, लीकेज कर रहा है, कभी भी टूट सकता है, इसे ठीक किया जाए। बातचीत में DM SDM रिलायंस कंपनी के लोग भी थे। रिलायंस कंपनी ने लिख कर दिया था कि ये बांध नहीं टूटेगा। DM ने 3 अधिकारी नियुक्त किए थे कि बांध का टेस्ट होगा। PWD SDM तहसीलदार ने वेरीफाई करके दिया था कि बांध नहीं टूटेगा, लेकिन इसके बावजूद बांध टूटा है। ये उदासीनता और जिला प्रशासन रिलायंस पावर प्लांट की घोर लापरवाही है। आज हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है। गाय भैंस तक बह गए हैं। 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है। रिलायंस पावर प्लांट के 4 मजदूर बह गए हैं। रिहंद बांध तक मलबा पहुंचा। सिंगरौली में बिजली बनाने में ज्यादातर कोयले का इस्तेमाल होता है। इससे राख निकलती है, जिसे फ्लाई ऐश भी कहते हैं। इसे एक तालाब में जमा किया जाता है। ये मलबा काफी खतरनाक होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के मुताबिक ऐश डैम के मलबे में भारी धातु सिलिका, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, पारा, आयरन वगैरह होते हैं। इससे अस्थमा, फेफड़े की बीमारी, TB और कैंसर तक हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि ऐश डैम मलबा रेणुका नदी पर बने रिहंद बांध तक पहुंचा है। यहाँ से सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र के लाखों लोगों को पानी की सप्लाई की जाती है। 6 अक्टूबर 2019 को सोनभद्र सिंगरौली क्षेत्र में NTPC विंध्याचल का ऐश डैम टूटा था। मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने एक रिपोर्ट में कहा था कि 35 लाख मीट्रिक टन माने 7 करोड़ क्विंटल से ज्यादा राख रिहंद बांध में जा चुकी है। जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि पावर प्लांट से निकलने वाली राख का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और पर्यावरणविद अश्विनी कुमार दुबे का कहना है, सासन अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के अधिकारियों की तरफ से नज़रअंदाज करने की वजह से ये घटना हुई है। इससे पहले SR प्लांट के पास बना राख का तालाब टूटा था। कुछ महीनों पहले NGT की टीम ने इलाके का दौरा किया था। सभी पावर कंपनियों ने भरोसा दिलाया था कि उनके तालाब सही हालत में हैं। सिंगरौली क्रिटिकल जोन बन गया है। कई निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिंगरौली में कोयले से बिजली बनाने वाले 10 पावर प्लांट हैं, जिनकी क्षमता 21,000 मेगावाट है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इन प्लांट्स की वजह से सिंगरौली गाजियाबाद के बाद देश में दूसरा सबसे प्रदूषित इंडस्ट्रियल जोन बन गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ललन टॉप का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।